ये कर लो पहले। सो हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो हम फ्रेश बच्चे होंगे। तो गाइस आज फाइनली बहुत टाइम के बाद हम कर रहे हैं क्यू एन ए वीडियो। तो मैंने मेरी फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो करी थी 1 मिलियन पे, फिर मैंने करी थी 2 मिलियन पे, और अब कर रहे हैं 3 मिलियन पे। और आज भी है हमारे साथ पीयूष। तो लास्ट टाइम मैंने करी थी पीयूष का क्यू एन ए वीडियो, तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो आज फिर से पीयूष आ चुका है, तो चलो करते वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है प्रदीप का, आप कितने ईयर के हो? तो गाइज मैं हूँ 20 ईयर का। मैंने बता रखा है बहुत बार, फिर भी आप पूछते हो, तो मैं 20 ईयर का हूँ। और पीयूष 13। पीयूष है 13 ईयर का, मैं 20 ईयर का। रिश्ता करवाने क्या? नहीं नहीं। तो हाँ चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ भाई उई 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 माना सी वे 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 वे। तो गाइज नाम थोड़ा अजीब सा है, तो उनका क्वेश्चन है कि हु इज मोस्ट अनोइंग, पीयूष और कुनाली? ऑफकोर्स कुनाली यार। गाइस मतलब अनोइंग कोई नहीं है, दोनों भाई हैं, तो बाकी लड़ाई होती रहती है और बस यही है। अनोइंग गाइस कोई नहीं है, दोनों प्यारे हैं, पीयूष भी कुनाली भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवी क्रश का, पता नहीं आईवी है एलवी है। तो इन्होंने पूछा कि आप अपनी वीडियो खुद एडिट करते हो? तो हाँ मैं खुद करता हूँ गाइस, और मैं फोन में करता हूँ, पता है आपको। सब खुद करते हैं, सौरदे सैलम में। तो हाँ वीडियो खुद एडिट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जिकरन शेख का, कि आप 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे क्या करोगे? गाइस कुछ ना कुछ तो होगा खतरनाक सा 5 मिलियन पे। यार 5 मिलियन जल्दी से करा दो दोनों के। तो हाँ गाइस जल्दी से कराओ, पीयूष के हैं 4 मिलियन, मेरे 3 मिलियन। तो हाँ कराओ जल्दी से 5 मिलियन, फिर करेंगे कुछ धमाकेदार पार्टी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय काला व्लॉग्स का, कि आपको फोन कब मिला था? तो गाइस मेरे को फोन मिला था 11th क्लास में, मतलब 10th पास करते ही मुझे फोन मिल गया था। और पता मुझे फोन क्यों मिला था? हम जा रहे थे शादी में गाँव में, तो वहां पे फोटोज क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, मतलब इसलिए हमने फोन लिया था, और वो मुझे मिल गया बाद में। लेकिन और पीयूष तो देखो, पीयूष को भी से मिल गया भाई। भाई किस्मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉलकर ऑफ मिडनाइट, अजीब अजीब नाम है गाइस बहुत। स्टॉलकर ऑफ मिडनाइट। तो इन्होंने पूछा है कि आप अपने पापा से लास्ट टाइम कब पिटे थे? तो गाइस याद भी नहीं है, मतलब बहुत टाइम हो गया यार। गाइस जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो बहुत पिटता लग रहा है मेरे को पापा से, है ना। यही चल रहा है दिमाग में, अच्छा ये पूछ लेता। तो हाँ लास्ट टाइम मैं पिटा था शायद 8th या 9th क्लास में, जहां तक मुझे याद है। हाँ मतलब यार गाइस मेरे को मारा बहुत है, पापा जी ने मम्मी जी ने बहुत मार खाई है, मैंने वाइपर से, चप्पल से, बेलन से, जो हाथ में आया उससे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन पीयूष ने नहीं खाई उतनी मार। भाई मैं तो बच गया आज बड़ी में। पीयूष को बड़ी में इतना नहीं मारती, मतलब मारती नहीं है वैसे, लेकिन मैं बहुत पिटा हूँ और भैया भी बहुत पिटा है। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन की, जो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पूछा है, आपकी जीएफ कितनी जीएफ है, कहाँ रहती है? भाई दिमाग खराब कर दिया, इतने क्वेश्चन गाइस यार। शक्ल देख के लगता है इनकी होगी। गजब बेइज्जती है। गाइस चलो आज मैं आपको दिखाई देता हूँ उसकी फोटो। सच्ची में दिखा रहे हो क्या? चलो यार देख लो, आप इतना पूछ रहे हो तो देख लो आज फोटो। तो ये रही आपके सामने फोटो। तो गाइस देखो ये है मेरी जीएफ, देख ली बस। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस सच में कोई नहीं है यार, क्या मतलब यार क्या पूछते हो आप, कितनी जीएफ है यार? पता नहीं आपको क्या करना है जीएफ के बारे में जान के। गाइस पक्का होगी तो सही, इनकी बताते नहीं, बहुत तेज आदमी नहीं है गाइस, सच में नहीं है। दिख रहा आपके स्माइल में। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल परवीन का, भाई आपकी शादी के बारे में आपकी मम्मी की क्या राय है, क्या ख्याल है? एक काम करते हैं गाइस, ये क्वेश्चन मम्मी जी से ही पूछते हैं। हाँ चलो 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 चले चलो चलो। मम्मी जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आया मेरे लिए कि आपका मेरी शादी के बारे में क्या ख्याल है? पागल है क्या अभी से शादी? अरे पूछ रहे लोग खाली। अच्छा लोग ऐसे ही होंगे, अभी से शादी वाला हो गया तो अभी 20 साल का है। मैं तो करूंगा ही नहीं, अभी तो तेरे से आगे तेरा भैया है। सही बात है। फिर गाइस पहले भैया की होगी, फिर पीयूष की होगी। पीयूष की क्यों होगी, फिर तेरी होगी। नहीं मेरी नहीं होगी, मैं नहीं करता मम्मी। सबसे पहले कुनाली की होगी। जो नहीं करता हूँ कहता है वो पहले करता है। नहीं मम्मी मैं नहीं करूंगा। हाँ नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा। सब ऐसे ही कहते हैं, पहले ऐसे ही कहते हैं सब। और फिर ओरियो की लास्ट में। ओरियो की क्या शादी होती है? तो हाँ गाइस सुन लिया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है, जो की पूछा है तीर्था ने। तो गाइस मुझे ना मतलब कार का इतना शौक नहीं है, मेरे को शौक है बाइक का। तो मैं तो गाइस सुपर बाइक लूंगा, सुपर कार तो मैं मतलब देखते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सुपर बाइक। सुपरा वाले लाइक कर दो गाइस, पीयूष को पसंद है कार, है ना। सुपरा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स अनमोल का, कि आप सबसे ज्यादा किसे लव करते हो?
कुनाली, पीयूष या सौरभ भैया। तो गाइस ये कोई पूछने की बात है यार, मेरे को ना ऐसा कुछ नहीं गाइस, सबको बराबर, ऐसा कुछ नहीं है, गाइस सब बराबर है मेरे लिए, सौरभ भाई भी, पीयूष भी, कुनाली भी, सब भाई हैं, तो सबसे इक्वल प्यार है। तो हाँ मेरे को ये बोल, मेरे को बोलोगे इसलिए मैं वीडियो बनाएगा, मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया, जा जा जा। नहीं नहीं नहीं, बाय। अगला क्वेश्चन है मितुल का, व्हाट्स योर निकनेम। यार कुछ नहीं है, सालू पागल है तू, ये तो धोती खोल रहा है, सालू है गाइस, बड़ी मिल को सालू बोलते हैं, जब गुस्सा आता साला बोल दिया, साला नहीं सालू। सालू गाइस, अब पीयूष ने बता ही दिया मेरा नाम, मम्मी मेरे को बोलती है सालू सालू सालू, मेरा सालू मतलब साहिल से सालू रख दिया। तो गाइस प्लीज कोई मजाक मत उड़ाना, पीयूष ने बता दिया, कमेंट में बस सालू सालू लगा दो। नहीं भाई। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है थारा, गाइस ये नाम नहीं बोलते, तो इन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और इस पे डांस करो। चल पीयूष चलो रेडियो, दिल कमरिया मोरे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेजी गुस्ट का कि आपने 11th में क्या लिया था। तो मैंने लिया था आर्ट्स विद मैथ, मेरे पास थे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत रोहित का, प्लीज सिंग एनी सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह। गाइस पता है मैं सच्ची में गा देता, लेकिन ना आपको दिख रहा होगा मेरे को जुकाम भी हो रहा है और खांसी भी हो रही है, अगर मैं गाना गाऊंगा ना तो मुझे खांसी हो जाएगी भाई। मैं गाएगा तो अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो हाँ बस यही है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स एमडी साजिद का, संन्यास कब ले रहे हो। गाइस बहुत जल्द हम जाने वाले हैं हिमालय की पहाड़ियों पे संन्यास लेने के लिए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, मैं तो जाऊंगा पक्का, मैं भी आऊंगा, जाएगा पक्का, ले जाना यार, और क्या। ठीक है गाइस पीयूष को भी ले जाएंगे साथ में, मैगी ले जाना साथ में, मैगी बनाएंगे रोज मस्त जोक मारा रे। गाइस क्या मजा आएगा सोचो, हिमालय के पहाड़ों पे ना, ना मैं कोने बैठ, बिल्कुल शांति गाइस, कोई नहीं होगा आसपास, बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना, मैगी बनाएंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्की का, कैन यू हग मी। हाँ कभी मिलोगे आप हमको तो जरूर करेंगे हग, एक जादू की झप्पी ले लो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कभी बिना इनविटेशन के शादी में गए हो खाना खाने। गाइस बहुत बार यार, मतलब मैं बताऊं मतलब गिनती नहीं होगी, सच्ची बता रहा हूँ, हरियाणा में, लेकिन यहाँ पे नहीं, हरियाणा में इतना गया हूँ, मैं इतना गया हूँ गाइस। और गाइस पता है एक बार लास्ट में हम फंस भी गए थे, वो बहुत खतरनाक स्टोरी है, हम बाल बाल उस दिन बचे थे, कभी हो पाया तो मैं बताऊंगा आपको, अभी तो फिलहाल नहीं बिकॉज काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन गाइस बहुत गए हैं बिन बुलाई शादी में खाना खाने, बहुत ज्यादा। तो हाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमसे पूछा है अनीस जतोई ने, आपने ओल्ड घर रेंट पे क्यों दिया। अगर घर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो खराब होगा, उसके अंदर धूल जमेगी, मतलब साफ नहीं होगा तो खराब होगा ना धीरे धीरे, तो इसलिए रेंट पे दे दिया, तो वो मेंटेन होता रहेगा, वहां की साफ सफाई होती रहेगी बस, तो रेंट पे देना बढ़िया है ना, तो इसलिए हमने रेंट पे दे दिया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विंकल स्टार का, आप इतना कम क्यों बोलते हो, प्लीज आंसर मी। तो हाँ मैं इतना कम क्यों बोलता हूँ गाइस, वो मेरा नेचर है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को कम बोलना ही पसंद है, मतलब कम ही बोलता हूँ मैं, और शांत रहता हूँ ज़्यादातर, जो मेरे बहुत क्लोज होते हैं उनके साथ मैं बोलता हूँ ज़्यादा, लेकिन वैसे मैं कम ही बोलता हूँ, तो हाँ गाइस वो मेरा नेचर ही है, आप क्या करें, है ना। कितना झूठ बोलोगे, भगवान से डरो। गाइस देख लो भाई, सब तू तो मेरा भाई है ना, हम तो बोलते हैं फोन में किसी अनपढ़ बड़े जाते हो, कब करता हूँ ये बातें बताई नहीं जाती। गाइस अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो कि हमसे पूछा है योगेश ने, तो वो कह रहे हैं कि एक बार सब हंस दो। गाइस चलो एक बार सब स्माइल करो, जो भी वीडियो देख रहे हैं सब स्माइल करो, हंसो हंसो हंसो, तो देखो आप कितने क्यूट लग रहे हो हंसते हुए, तो ऐसे ही हंसते रहना, मजा आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर लक्की का, I want to do front flip and back flip. तो हाँ आप कर सकते हो, बस करनी है आपको प्रैक्टिस जितनी हो सके, बाकी आप मेरी वीडियो देख सकते हो, दूसरे चैनल पे मैंने बना रखी है फ्रंट फ्लिप की भी बैक फ्लिप की भी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लेना, बाकी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से और सेफ्टी के साथ। हाँ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन आई का, आपने कभी स्कूल में बंक मारा है। मेरा स्कूल था ना, मेरे स्कूल के सामने हमारा घर था, तो हाँ गाइस स्कूल कभी बंक नहीं करा हमने, बिकॉज हमारा स्कूल था ही,
घर के आगे बिल्कुल कैसे बंक करते, लेकिन हाँ बहाने बहुत मारे कि पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आज स्कूल नहीं जा रहे, तो हाँ बस ये बहाने मारे लेकिन बंक कभी नहीं मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका, आपने गाना कहाँ से सीखा? गाइस मतलब मैं ऐसे ही गा लेता हूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, इतना अच्छा तो मैं गाता भी नहीं, बाकी मैं बाथरूम सिंगर हूँ, मैंने खुद ही ऐसे गा गा के थोड़ा सा सीख लिया। हाँ बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मयंक रावत का कि भाई आपके कॉलेज का कौन सा ईयर है? प्लीज टेक माई नेम, तो नाम मैंने ले लिया मयंक, तो मेरा है गाइस सेकंड ईयर, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। वैसे गाइस मेरा पता है मेरा थर्ड ईयर होता, मैंने हरियाणा से ना छोड़ा था तो वहाँ से मैंने नाम कटवाया था मेरा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे आके दोबारा एडमिशन लेना पड़ा, वरना मैं अभी थर्ड ईयर में होता पता है। तो हाँ मैं हूँ सेकंड ईयर में और मैं कर रहा हूँ बीए। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो मैं बीए कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो बस यही था आज की क्यू एंड ए वीडियो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए और बहुत सारे रह भी गए होंगे, तो उनको सॉरी उनके देंगे नेक्स्ट टाइम। तो बस यही थी आज की वीडियो, बताने कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।